अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, पिछले महीने में 26 फरवरी 2022 को विरार में एक हत्याकांड हुआ। विरार पूर्व के डीमार्ट के सामने समय चौहान का हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड में आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल हत्याकांड के जो शूटर थे, उन शूटरों को, दो शूटरों को मीरा भाईंदर वसई विरार, आयुक्तालय की पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाराणसी से गिरफ्तार किया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन फिर भी आज इन आरोपियों की धरपकड़ जरूर हुई है। दो आरोपियों में से एक आरोपी जिसका नाम राम है, उसके ऊपर पहले भी कई संगीन मामले दर्ज है। पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया, उसमें पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि 2013 में मुंबई की हद में इस राम ने एक मर्डर किया था और एक मर्डर का प्रयास किया था। वहीं 2015 में मीरा रोड में एक मर्डर अंजाम दिया था। इसके ऊपर पहले से 9 साल से यह फरार चल रहा था और इसके ऊपर पहले से कई धाराओं में, संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। इन दो के अलावा इनका तीसरा कोई साथी भी है, जिसकी भी अभी पुलिस को तलाश है। भले ही एक महीने से ज्यादा निकला इस मामले के खुलासे में, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस मामले में अपना सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आखिरकार इन अपराधियों को गिरफ्तार कर दिया। खुद क्राइम यूनिट के DCP, उन्होंने उत्तर प्रदेश जाते हुए अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश का विजिट किया और वहां के आला अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए इन आरोपियों की धरपकड़ की। कहीं इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और आगे चलकर ये मामला जो है पूरी तरह से उजागर होने की कगार पर आ चुका है, ऐसी उम्मीद लगाते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।